हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट ऑफ बिटमीन बाई कैनन मैनिंग वैक्यूम कैपिलरी विस्कोमीटर के द्वारा हम किस प्रकार से एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं बिटमीन का। तो एज पर IS 1206 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग हम इसकी टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट किस प्रकार से करते हैं हम, चाहे वो किसी भी ग्रेड का बिटमीन हो, चाहे वो VG30 हो या VG40 हो। तो देखते हैं हम आगे किस प्रकार से टेस्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये देखिए ट्यूब कौन सी यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये VG40 के का टेस्ट करेंगे हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का। तो इसमें हम दोस्तों साइज नंबर 13 ट्यूब यूज कर रहे हैं। 12 और 13 दोनों साइज का ट्यूब हम यूज कर सकते हैं। कैपिलरी विस्कोमीटर ट्यूब साइज 13 नंबर यूज करेंगे इसमें। इसमें दोस्तों तीन बल्ब होते हैं BCD। तो हमको B और C बल्ब जो है, तो ये कितने टाइम में, कितने सेकंड में फिल होता है बिटमीन से जब हम इसमें वैक्यूम प्रेशर सिस्टम के द्वारा इसमें प्रेशर डाला जाता है। तो B और C जो बल्ब है वो कितने सेकंड में कंप्लीट होता है, तो यही रीडिंग हमको नोट करना है, उसी यही पता करना है हमको। तो उसके हिसाब से हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो है वो पता करेंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जो ट्यूब का कैलिब्रेशन फैक्टर रहता है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी हमारा टाइम इसमें आएगा रिक्वायर्ड टाइम, जितना लगा हुआ टाइम है बी और सी ट्यूब भरने में, बाल्ब भरने में। तो ये देखिए सबसे पहले हम सैंपल को क्या करेंगे कि 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इसको गर्म कर लेंगे, पोरिंग टेम्परेचर पे गर्म कर लेंगे सैंपल को, VG40 मटेरियल को। और इसके बाद क्या करेंगे कि जो विस्कोमीटर ट्यूब है दोस्तों, हम उसको जो ऑयल बाथ होता है विस्कोसिटी ऑयल बाथ, उसमें जो होल्डर रहता है हम उसमें इसको सेट करते हैं। विस्कोमीटर ट्यूब को हम सेट करेंगे, ये देखिए इस तरह से सेट करेंगे इसको, अच्छी तरह से इसको फिक्स कर देते हैं। विस्कोमीटर ट्यूब को हम होल्डर में अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद दोस्तों इसमें हम VG40 जो बिटमीन सैंपल है उसको पोर करेंगे। ये देखिए इसकी जो पतली वाली नली है दोस्तों वो थोड़ी ऊपर होना चाहिए, ताकि हम इसमें वैक्यूम प्रेशर के का जो ट्यूब नली रहती है उसको हम लगा सकें प्रेशर डालने के लिए। ये देखिए हम इसमें लगभग 20 ml बिटमीन फिल करेंगे। ये फिल लाइन दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ तक हमको बिटमीन फिल करना है। ये हमने बिटमीन फिल कर दिया है, इसमें फिल लाइन तक पोर कर दिया है विस्कोमीटर ट्यूब में। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि 10 ± 2 मिनट के लिए हम इसको ओवन में रखते हैं। ये देखिए हमारा जो फिल लाइन तक बिल्कुल करेक्ट बिटमीन डाला गया है, इसमें भरा गया है, फिल किया गया है विस्कोमीटर ट्यूब में। इसको हम फ्लास्क में रख के इसको वाइट कली ही रखना है हमको दोस्तों ओवन में। ये हम ओवन का जो टेम्परेचर रखेंगे वो 135 ± 5.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 10 ± 2 मिनट के लिए हम इसको रखते हैं ओवन में, ताकि इसमें जो एयर बबल्स रहते हैं वो रिमूव हो जाएं। ये देखिए 10 ± 2 मिनट के लिए हम इसमें रखेंगे 135 ± 5.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दोस्तों। और जैसे ही 10 मिनट होगा कंप्लीट, तो हम इसको निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और इसको ये हमको बहुत सावधानी से इसको बाहर निकालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है इसमें। इसके लिए हमको ग्लव्स या कि कपड़े का यूज करके इसको सावधानीपूर्वक पकड़ना है दोस्तों। और इसके बाद इसको क्या करेंगे, जो ऑयल विस्कोसिटी बात होता है दोस्तों, उसमें हम इस होल्डर को सेट करेंगे ले जाकर। देखिए किस प्रकार से सेट करते हैं, इसको वाइट कली ये होल्डर को, जो होल्डर इसमें फिट है विस्कोमीटर ट्यूब में जो होल्डर लगा हुआ, उसको आसानी से पकड़कर और ऑयल विस्कोसिटी बाथ में हम इसको फिट कर देते हैं, सेट कर देते हैं।
इसका जो टेम्परेचर रखेंगे दोस्तों आयल विस्कोसिटी बात का, तो 60 डिग्री प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे इसका, इसका टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखेंगे। और ये जो हम रखेंगे इसको 30 प्लस माइनस 5 मिनट के लिए इसमें ऑयल विस्कोसिटी बात में हम रखेंगे ट्यूब को, विस्कोमीटर ट्यूब को इसी तरह से वर्टिकली इसमें लटकाकर। और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें वैक्यूम सिस्टम जो रहता है जिसके थ्रू हम प्रेशर इसमें डालते हैं, तो हमको जो प्रेशर इसमें डालना है वो 300 mm Hg डालना है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे कि जिसमें ट्यूब जो प्रेशर नली होती है, तो उसमें हम देखिए अभी ये आपको दिख रहा होगा विस्कोसिटी विस्कोमीटर जो हम उसमें सेट किए हैं, ये 25 मिनट हो चुका है दोस्तों। हमको 30 प्लस माइनस 5 मिनट तक रखना है इसमें, 30 मिनट तक रखना है विस्कोसिटी बात में, ऑयल विस्कोसिटी बात में। अब इसका हम प्रेशर देखेंगे, वैक्यूम ट्यूब का प्रेशर देखते हैं 300 mm ऑफ Hg वैक्यूम प्रेशर, ये सही है हमारा 300 mm ऑफ Hg आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको कनेक्ट करेंगे हम विस्कोमीटर ट्यूब के, जो पतली ट्यूब रहती है विस्कोमीटर में, हम उसमें इसको सेट कर देते हैं। और सेट करने के बाद हम इसमें क्या रहता है, जो बाल्ब बी रहता है और बाल्ब सी, तो बाल्ब बी में जो जैसे ये बाल्ब बी भरना स्टार्ट होता है तो हम स्टॉप वॉच चालू कर देते हैं दोस्तों। ये हमने स्टॉप वॉच ये चालू कर दिया है, जैसे ही हमारा बल्ब भी भरना शुरू होगा इसमें हम स्टॉप वॉच चालू कर देंगे। ये हमने स्टॉप वॉच चालू कर दिया, बल्ब भी भरना शुरू हो गया दोस्तों। हमको रीडिंग लेना है कि कितने सेकंड में बल्ब भी जो है वो बिटमिन के द्वारा भरा जा रहा है, जब हम इसमें वैक्यूम प्रेशर प्रोवाइड करा रहे हैं 300 mm Hg वैक्यूम प्रेशर सिस्टम के द्वारा। तो हमको रिक्वायर्ड टाइम पता करना है कि कितने सेकंड में बल्ब भी इसमें फिल हो रहा है। स्टॉप वॉच देख सकते हैं दोस्तों, स्टॉप वॉच में जो है इसका टाइम वो शो किया जा रहा है, ये भी 49 सेकंड हुआ है, 52 सेकंड। एक मिनट 15 सेकंड 17 सेकंड हो चुका है दोस्तों। ये देखिए एक मिनट 17 सेकंड में हमारा जो बल्ब भी है वो कंप्लीट फिल हो चुका है, मतलब 77 सेकंड में बल्ब भी फिल हुआ है दोस्तों। इसके बाद इसमें बल्ब सी भरना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें जो बल्ब बी की वैल्यू आई है, रीडिंग आई, रिक्वायर्ड टाइम आया है, तो उसको माइनस कर देंगे तो बल्ब सी का रिक्वायर्ड टाइम निकल आएगा, जो जैसे ही कंप्लीट होगा बल्ब सी विस्कोमीटर ट्यूब का जो बल्ब सी है वो भरना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ये थोड़ी बी से बड़ा होता है, बल्ब बी से बड़ा होता है, विस्कोमीटर ट्यूब में जो बल्ब सी रहता है वो बल्ब बी से बड़ा होता है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, बल्ब बी से ज़्यादा टाइम लेता है फिल होने में। ये देखिए धीरे धीरे ये फिल होता जा रहा है बल्ब सी। और स्टॉप वॉच में आप जो इसका टाइम है वो देख सकते हैं कि कितने मिनट हुआ, 2 मिनट 24 सेकंड हुआ है अभी।
जैसे ही बल्ब सी भर जाएगा दोस्तों, तो हम इसमें से बल्ब बी की जो वैल्यू आई वो माइनस कर देंगे, जो रिक्वायर्ड टाइम निकला हुआ है बल्ब बी भरने में जितना टाइम लगा था हम उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो बल्ब सी की वैल्यू आ जाएगी, कितना रिक्वायर्ड टाइम लगा है बल्ब सी भरने में जिसको मीटर ट्यूब, ये देखिए आपको दिख रहा होगा बल्ब सी जो फिल हो रहा है, इसमें जो कट मार्क है दोस्तों जो निशान दिया हुआ है बल्ब सी का, वहाँ तक हमको बिटमीन इसमें देखना है कि कितने सेकंड में फिल होता है, कितने मिनट सेकंड में इसमें फिल होता है बिटमीन, वो टाइम नोट करना है हमको। ये जो बिस्कोमीटर ट्यूब रहती है दोस्तों, ये कैलिब्रेटेड ट्यूब रहती है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो इसका निर्माण करते हैं वो इसके साथ ही इसका सर्टिफिकेट देते हैं, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें कैलिब्रेशन फैक्टर दिया रहता है, तो जो टाइम इसको फिल करने में आता है बल्ब बी और बल्ब सी में, तो उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी निकलती है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा बल्ब सी जो है वो फिल होने जा रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है दोस्तों, ये लाइन दिख रहा होगा आपको बल्ब सी का जो लाइन मार्क दिख रहा होगा वहाँ तक बिटवीन देखना है कि कितनी टाइम में वो फिल हो रहा है बल्ब सी। आप बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ज़रूर दिखेगा आपको इसमें। तो ये देखिए बल्ब सी जो है हमारा फिल होने वाला है, और ये देखिए कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो जो टाइम आया इसमें 4 मिनट 57 सेकंड, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए बल्ब बी जो आया 1 मिनट 17 सेकंड, तो हमको सेकंड में चेंज करेंगे तो 77 सेकंड इसमें आ रहा है स्टॉप वॉच की रीडिंग, जो बल्ब बी भरने में बिटमिन भरने में जो समय लगा है, और बल्ब सी में जो समय लगा है बिटमिन भरने में फिल होने में, तो वो 4 मिनट 57 सेकंड आया, तो इसमें से हम क्या करेंगे इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 297 सेकंड टोटल आ रहा है दोस्तों। तो इसमें से हम बल्ब बी का जो टाइम लगा हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो बल्ब सी का टाइम निकल आएगा 220 सेकंड, स्टॉप वॉच की जो रीडिंग टाइम आया है वो 220 सेकंड दोस्तों आ रहा है। तो इसमें हम जो ट्यूब यूज कर रहे हैं उसका साइज 13 नंबर है, और इसका कैलिब्रेशन फैक्टर जो है दोस्तों कैलिब्रेशन कांस्टेंट वो बल्ब बी का 62.1737 और बल्ब सी का 20.04311 है। तो इस प्रकार इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी आता है, जो टाइम लगा है वो टाइम का हम कैलिब्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की वैल्यू निकल आती है दोस्तों बिटवीन की। ये देखिए हम आगे फार्मेट देखेंगे किस प्रकार से हम इसका फार्मेट फिल करते हैं, ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने इसका टाइम निकाला है। अब देखिए आगे देखेंगे फार्मेट किस प्रकार से बनेंगे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट, तो इसका फार्मेट जब भरेंगे हम दोस्तों तो जो व्हीकल नंबर वो भी डालते हैं इसमें, डेट ऑफ सैम्पलिंग डालते हैं, डेट ऑफ टेस्टिंग डालते हैं, सोर्स डालते हैं जहाँ से हमारा बिटमिन आता है, और ये कौन सा बिटमिन है उसका सैंपल टाइप क्या है, तो VG40 है दोस्तों ये। अब इसको बिस्कोमीटर ट्यूब साइज नंबर डालते हैं कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हमने 13 नंबर यूज़ किया है। इसमें बल्ब बी का जो कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट है वो 62.1737 और बल्ब सी का 20.0431 है दोस्तों। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जो वैल्यू आई है बल्ब बी भरने में सेकंड में टाइम आया, तो 77 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की वो 4787.3749 आ रही है बल्ब बी की, और बल्ब सी की 4409.482 आ रही है दोस्तों। तो दोनों का एवरेज लेंगे हम 4598.4285 इसका विस्कोसिटी आया दोस्तों, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी आया VG40 का 4598.4285 पॉइजेस, ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी आया 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दोस्तों।
जबकि इसमें रिक्वायर्ड जो बीजी पुट्टी का है वो IRC 73 में दिया हुआ है कि 3200 से 4800 के बीच में एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होना चाहिए। तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट है। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है बिल्कुल राइट है, सही है। जो हमने टेस्ट किया है वो सही आया है, 4598.4285 पॉइजेज रिजल्ट आया है।